हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एकेडमी। आज हम आरएस अग्रवाल का परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशतता, ये है आपका 217 नंबर पेज है और ये टॉपिक नंबर 12 है ना, तो अपने बुक में देख सकते हैं आप। तो आज इसके क्वेश्चन लेंगे क्योंकि, और हमें इसके आज इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने वीडियो में बनाया हुआ है। यूट्यूब में इसके चार वीडियो दिए हुए हैं, चारों वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आप पहले से लेकर चौथे तक कंटिन्यूसली देखें, उसके बाद इस आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो खैर एग्ज़ाम में नहीं आया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ रेलवे में 2004 में। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। 1400 का एक्स परसेंट, और देखो चौदह सौ का एक्स परसेंट बराबर 119 है ना। यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, तो 1400 गुणा एक्स परसेंट मतलब एक्स बटा 100। परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 1/100, ठीक है। परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, और 119। तो देखो 0000 कट गया, 14 से भाग दे देंगे 119, कितने बार में जाएगा, 119 बटा 14 से 119 को भाग देंगे कितना होता है, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 14 कितना होता है, 98, और 14 × 8 = 112। तो 14 × 8 में जाएगा, 14 × 8 = 112, 112 7 7 बचा, 14 × 5 = 70, तो 8.5 आ गया आंसर। 8.5 सी आंसर देख लीजिए, 8.5 आ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखिए 240 का 35% प्लस 280 का 55% बराबर 714 का एक क्वेश्चन है, तो एक्स परसेंट, ठीक है, 714 का कितना परसेंट है ना। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है एक्स लिख दिए हैं, एक्स परसेंट, ठीक है। देखो 240 का 35% कैसे निकालें, मैंने आपको बताया हुआ है इसका 30% पहले निकालो फिर 5%, ठीक है। 30% कैसे निकालेंगे इसका, 240 में यहाँ पे 10% पहले निकालो, 10% हो जाएगा यहाँ पे, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, एक अंक इसका देंगे, तो कितना हो जाएगा 24, और 30% 24 दिया तो 72, और 5% 24 का, 24 10% है, 24 का 5% कितना होगा, 24 का 5% 12, तो ये हो गया 35%, ठीक है, निकल गया। आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको परसेंटेज वन में बता गया मैं कैसे निकाला है, तो आप परसेंटेज वन पक्का से देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि परसेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट शॉर्ट कट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, 280 का 55%, देखो 280 का 50% पहले निकालेंगे फिर 5% पहले बाद में निकालेंगे। फिर देखो 280 का 50% कैसे निकलता है, 280 का 50% कितना होगा, देखो 280 अपने आप में क्या है, 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 280 एक 100% संख्या है, ठीक है। तो 280 का 50% कितना होगा, उसका आधा, तो 280 का आधा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो 140 उसका 50% हो गया, प्लस क्या करेंगे, 55% है, 5% और निकालना पड़ेगा, तो 5% कितना होगा, देखो 10% कितना होगा, देखो एक दशमलव इधर खिसका देंगे तो 10% हो जाएगा 28, 28 10%, तो 5% कितना होगा, 28 का आधा कितना होगा, 14, ये हो गया 55%। अब 714 वैसे ही रहने दीजिए इसको, है ना, एक का मतलब गुणा एक्स परसेंट, देखो इसको जोड़ लो आप, टोटल चारों को जोड़ लो, है ना, कितना हो जाएगा ये 72 और 12 कितना हो जाएगा, 80 84
और ये हो जाएगा 140 14, 140 और 14 हो जाएगा 154 बराबर 714 का एक्स परसेंट। ये टोटल कितना हो रहा है जोड़ लो आप, ये हो जाएगा 8 8 5 13, 230 238 का एक्स 714, 238 से 714 भाग देख के देखो कटता है कि नहीं। ये 600 और 714 24 है ना, तीन बार में कट रहे है ना, तीन बार में कट रहा है, तो तीन को अब इधर ला लो है ना, तो 1/3 एक्स परसेंट है ना, तो वही पूछा है। सॉरी यहाँ पे एक्स परसेंट नहीं भी लेंगे भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह में हमको डायरेक्ट एक्स भी ले सकते हैं, एक्स परसेंट या एक्स जो भी ले सकते हो आप, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया है ना, तो 3 हमारा 1/3, 1/3 हमारा आंसर हो गया, ये आंसर देख लो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बैंक भी हम आया हुआ है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1500 का 45% है ना, 1700 का 35%, तो वैसे सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट करते हैं अभी, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, 1500 का 45%, ठीक है, 1500 का 45% निकालने के लिए क्या करेंगे, 40% पहले निकालो, 40% के लिए 150, 10% तो 150 चौंक कितना हो जाएगा, 150 चौंक 600, 600 और 5% कैसे निकलेगा उसका, देखो 1% निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15, 5% का 75, वैसे ही 1700, 1700 का 35% है ना, 1700 का 30% कितना होगा, 10% एक हो गया 170, तो 30% कितना होगा आपका, 17 3 51, 510 प्लस और 5% है ना, 1700 का 5% कितना होगा, 1700 का 5% होगा 10% है 170, सॉरी सॉरी ये 1% ही निकालो, 1% 17, 17 5 85, 85 बराबर 3 है ना, 3175 का कितना परसेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे परसेंट बोला है तो एक्स परसेंट लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो एक्स ले लिया, ठीक है, यहाँ पे परसेंट लेंगे, ठीक है, तो इसको टोटल कर लो। देखो टोटल करने के लिए एक शॉर्टकट भी है टोटल करने का है ना, पहले आप जो 100-100 वाले हैं उसको जोड़ लो, फिर दस दहाई वाले, फिर इकाई वाले, ठीक है, पहले सैकड़े वाले जोड़ लो, जैसे 600 है 500 है कितना हो जाएगा, 600 500 कितना हो जाएगा, 1100, अलग से जोड़ लो इसको, अलग इधर 600 500 के हो जाएगा 1100 और कितना हो जाएगा 70, 10 और 80 तो 90 और ये 9 6 9 7 16 1600 सॉरी 160 हो गया और 5 5 10, ठीक है, 0 6 7 2 1270 हो गया, 3175 इंटू एक्स परसेंट, 3175 को नीचे ला लो, एक्स परसेंट लिख दो ना, देखो अब भाग देना पड़ेगा है ना, भाग दे के देखो कितने बार में जा रहा है कुछ है ना, क्या हो रहा है, और तो कितना जाएगा ये, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज है ना, ये 1/100 है, अगर एक्स मतलब अगर इधर ले जाया है ना, 1/100 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, तो एक ही स्टेप ऐसा भी कर सकते हो, 1270 100, ठीक है, अब इसको कटा सकते हैं, देखो डायरेक्ट थोड़ी बड़ी संख्या से कटाओ, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो जरा लिए 25 से कट सकता है ना, 25 से कटा के देखते हैं, 25 4 100 हो जाएगा ऊपर नीचे, देखो 25 1 25 6 तो 25 2 50 17 बचा तो 175 है ना, 175 में कितने बार में जाएगा, 7 25 7 175 होता है, 127 बार में चला गया, अब देखो 127 से 10 बार में चला जाएगा, और 10 चौक 40
40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 40 आंसर आया कि नहीं, देखो 40 दिख रहा है कि नहीं, चौथे नंबर पर 40 नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा डी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 भी सेम टाइप का ही है थोड़ा, 320 का 125%, ठीक है, 320 का 125%, 125 का एक्स परसेंट है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया तो एक्स परसेंट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है, और 242, ठीक है, सॉरी 242 नहीं है, 400, ये 242 छठ होगा, ठीक है, 400 होगा। तो एक्स का मैं निकालना है यहाँ पे, 320 का 125% निकालना, ठीक है, 320 अपने यहाँ पे 100% है, तो 100% तो इतना ही होगा, तो 320 का 320 वही रहेगा, 25% कितना होगा, 320 का 25% निकालिए कितना हो जाएगा, 100% 320 ही है, उसका आधा करो, फिर आधा करो, उसका आधा करेंगे तो 50% निकल जाएगा, और उसका और आधा करेंगे तो 25% निकल जाएगा। मैं एक रफली बताता हूँ आपको कैसे हो रहा है, ठीक है, 320 का हाँ 100% है कितना, 320 का 100% कितना है, 100% को मानो वही, ठीक है, 320 का ही 50%, 50% माने 100 का आधा हो गया, तो 320 का आधा ये भी हो जाएगा, है ना, 320 का आधा कितना हो जाएगा, 160, 320 का 25%, 25% देखो, 50% का आधा 25% होता है, तो उसका भी आधा 320, सॉरी 160 है ना, तो 320 का 50% 160, तो 160 का 25% निकालेंगे, 320 का 25%, सॉरी हाँ 320 का ही 25% रहेगा, लेकिन उसके आधे का आधा, ठीक है, उसका आधा कितना है 160, उसका आधा कितना होगा, कितना होगा ये, हाँ 8 × 16 180 होगा, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। तो देखो 320 का 25% हो रहा है 80, 125 का एक्स परसेंट, ठीक है, 125 वैसे ही रहने दीजिए, एक्स परसेंट मैंने एक्स बटा 100 भी लिख सकते हैं, ये है 400, ये कैलकुलेट कीजिए आप, है ना, ये हो जाएगा आपका 400, तो 400 सॉरी हाँ देखो 400 खुद हो रहा है, उधर भी 400, 400 400 यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा x, यहाँ से 25 × 100, 25 × 5 = 132, ठीक है, तो सॉरी यार ये 440 है ना, 400 नहीं, ये 440 से डायरेक्ट नहीं कटाना है, गलती से लिखा गया था ना, 125 ये ठीक है, 5/4x हो गया है, और ये 400 हो गया है, 400 में उधर जाके माइनस होगा 400 है ना, ये इधर जाके माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 40, 4 से है ना, अब देखो 5 × 8 = 40 कट रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो 8 × 32 हो जाएगा x बराबर 8 × 32, देखो 32 आंसर आया कि नहीं, पाँचों का आंसर देखो, ए आंसर 32 दिख रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, अब आगे वीडियो में आगे को क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक के चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, थैंक यू।